हेलो सर, ये हमारा एलिफेंट है जो डीटी अपन बोलते हैं, डी टोस्टर में लगता है, और इसका ये कंट्रोलर बॉक्स है। अपन ने क्या किया है कि 1 नंबर और 2 नंबर में 230 वोल्ट पावर सप्लाई दे दी है, और ये अपन ने 18 और 19 की वायर प्लस और माइनस को इधर सेंसर है, अपन ने प्लस और माइनस में कनेक्ट कर दिया है। अभी ये ओनली सिर्फ प्रोब है, इधर फ्लोट अरेंजमेंट होता है जो टैंक के अंदर होता है। अभी इसको जस्ट हम अपन कैलिब्रेट करेंगे कंट्रोलर से। अभी ये पूरा अपन इसको ये मूव होता है, इसको अभी अपन ने यहाँ क्लॉक वाइज स्टेबल कर दिया है। ये भी क्लॉक वाइज स्टेबल है, रख दिया है। अपन कंट्रोलर में जाएंगे, अपने को कैलिब्रेशन यहाँ की है, कैलिब्रेशन की को हमको 4 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। कंट्रोलर में आएगा कैलिब कंट्रोलर में आया, और उसको क्या करना है, वो वापस से हमको इंटर बटन दबा देना है। अभी L00 आएगा, यानी लो लेवल ये कैलिब्रेट करेगा कि डीटी का कितना लो लेवल रहेगा। तो अपन लो लेवल में अभी हमने एंटी क्लॉक वाइज इसको पूरा रखा है, इसको क्या करेंगे वापस से इंटर बटन दबा देंगे। इंटर बटन दबाएंगे तो 5 टाइम ब्लिंक करेगा, 0, 3, 4, 5 5 टाइम ब्लिंक होने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, इंटर बटन को पुश कर देंगे। इंटर बटन को वापस से पुश करने के बाद L00 स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अप की को प्रेस करना है। अप की जब H100 दिखेगा तब अपने को डीटी को अपने को धीरे धीरे क्लॉक वाइज मूव करते रहना। जहाँ तक डीटी जाएगा वहाँ तक पूरा ये क्लॉक वाइज मूव हो गया। मूव होने के बाद अब यहाँ अपने को 100 कैलिब्रेट करना है। 100 कैलिब्रेट करने के लिए वापस से क्या करेंगे, इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये क्या करेगा, H100 ब्लिंक करेगा 5 टाइम। ब्लिंक होने के बाद वापस से क्या करेंगे, इंटर बटन फिर से पुश कर देंगे, तो ये H100 स्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ 100 कैलिब्रेट हो गया है, 100% कैलिब्रेट हो गया है। वापस से क्या करेंगे, अब की करेंगे, अप्लाई आएगा, अप्लाई में अपने क्या करना है, इंटर बटन कर देना, डन आएगा। डन आने के बाद वापस इंटर बटन कर देंगे तो अप्लाई आएगा, अप्लाई के बाद अप की दबाएंगे तो क्विट आएगा, क्विट यानी बाहर आना अपने को, तो वापस इंटर बटन कर देंगे तो अभी क्या, अभी आएगा, अभी 100% है, यदि पूरा ये घुमा हुआ है तो अभी आपको P100 की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे इसको हम क्लॉक वाइज मूव करते जाएंगे तो ये रीडिंग धीरे धीरे कमती जाएगी। मैं क्लॉक वाइज मूव कर रहा हूँ और रीडिंग धीरे धीरे कमती जा रही है। ये वापस से जहाँ हमने लो कैलिब्रेट किया था वहाँ की ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। जैसे इसको हम मूव करते जाएंगे तो ये रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये एक टाइम आएगा कि पूरा 100 हो जाएगा ये।